हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज। आज हम ब्लू प्लैनेट यानी अर्थ के बारे में जानेंगे, जो एक चट्टानीय और स्थलीय ग्रह है। इसकी एक ठोस और सक्रिय सतह है जिसमें पहाड़, घाटियाँ, मैदान और बहुत कुछ पाए जाते हैं। पृथ्वी विशेष है क्योंकि ये जीवन के लिए जानी जाती है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और बाकी भाग में स्थल पाया जाता है। तो जानते हैं अर्थ के बारे में, सो लेट अस स्टार्ट। पृथ्वी सूर्य से तीसरा और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जिसे जीवन के लिए जाना जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भाग महाद्वीपों और द्वीपों से घिरा हुआ है। बाकी लगभग 71% भाग पानी के साथ घिरा हुआ है, जिसमें महासागर, झील, नदियां और ताजे पानी आते हैं। पृथ्वी के अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र भी बर्फ से ढके हुए हैं। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है। इसकी भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,755 किलोमीटर है और सूरज से औसत दूरी 12 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगभग 365 दिनों में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का धरातल चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें फेल्सपार, कार्ट्स, पायरेक्सिन और अभ्रक जैसे खनिजों की प्रमुखता है। पृथ्वी के भूपरपटी की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, जिसमें मुख्यतः ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के रूप में होती है। इन परतों की मोटाई का आकलन रासायनिक और यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी स्थलमंडल, जलमंडल, मध्यवर्ती आवरण, बाह्य कोर और आंतरिक कोर से बना हुआ है। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे भूपरपटी, ऊपरी आवरण, निचला आवरण, बाहरी आवरण और आंतरिक कोर में बांटा गया है। पृथ्वी की यह परतदार संरचना भूकंपीय तरंगों के संचलन और उनके परावर्तन तथा प्रत्यावर्तन पर आधारित है। पृथ्वी में तीन परतें पाई जाती हैं। पहला ऊपरी परत, जो परतदार सेलों से बने हुए हैं जिनकी गहराई 35 से 100 किलोमीटर होती है। दूसरा मध्यवर्ती परत, ये बेसाल्ट द्वारा बने हुए होते हैं। इनकी गहराई 2,900 किलोमीटर होती है। तीसरा निचली परत, जो डोनाइट, पेरिडीटाइट से बने हुए होते हैं। इनकी गहराई 2,900 से 5,150 किलोमीटर होती है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा को मोहे असंबद्धता कहा जाता है और निचली मेंटल और बाह्य क्रोट की सीमा को गुटेनबर्ग बाईचार्ट कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला सियोल, जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। दूसरा सीमा, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। तीसरा निफे, जो निकिल और फेरिस से बना हुआ है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर स्थलमंडल है और बाकी 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थलमंडल विस्तृत है। और स्थलमंडल के समस्त क्षेत्रफल के 26% भाग पर पहाड़, पर्वत, पठार और मैदान का विस्तार है। स्थलमंडल में 8 महाद्वीप हैं, जिसमें पहला अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे ओशनिया भी कहते हैं, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और लास्ट जीलैंडिया महाद्वीप जिसे हाल ही में खोजा गया है। पृथ्वी के जलमंडलीय भाग पर 5 महासागर पाए जाते हैं। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर।
हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, जिसके विस्तृत क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में पाए जाते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के लिए कांच घर का काम करता है। पैटरसन ने वायुमंडलीय वातावरण को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाह मंडल आते हैं। अब जानते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि वाह केंद्रक के विद्युत प्रवाह से निर्मित होता है। सौर वायु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ऊपरी वातावरण मिलकर अरोरा बनाते हैं। इन सभी कारकों में आई अनियमितताओं से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव गतिमान रहते हैं। तो ये थी हमारे अर्थ प्लैनेट से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।